केंद्रीय बजट को लेकर भिलवाड़ा के वरिष्ठ सीए महावीर गांधी ने बजट को विकास उन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि बजट से उद्यमियों को लाभ मिलेगा। वहीं भिलवाड़ा टैक्स बार एसोसिएशन के चेयरमैन केसी तातेड़ ने भी बजट को व्यापारियों और उद्यमियों के लिए अच्छा बताया। आज जो बजट पेश किया गया बहुत ही निराशाजनक बजट है। आज तक इतिहास में सबसे निराशाजनक बजट रहा है। इसमें वेतनभोगी व्यक्तियों को, मध्यम वर्गीय लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला है। वेतनभोगी व्यक्ति बड़ी आस लगा कर रखे थे कि कुछ रियायतें मिलेगी टैक्स में, लेकिन ये सारा उनका सपना चकनाचूर कर दिया मोदी सरकार ने। बजट बिल्कुल निराशाजनक रहा। यह बजट चंद उद्योगपतियों को और धनी बनाने का एक मसौदा है, जबकि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी रियायतें नहीं है। कोई विशेष टैक्सेज में तो कोई राहत दी नहीं है और कुछ चेंजेज अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो टैक्स रेट थी वो पहले 18.5% थी, उसको घटाकर 15% कर दी, और उसी का वो जो सरचार्ज है वो 12% से घटा करके 5% कर दिया। इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को काफ़ी बेनिफिट हुआ, जो उनके सदस्य हैं गाँव में उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। दूसरा अमेंडमेंट्स टैक्स डायरेक्ट टैक्सेज में ये आया है कि जो रिटर्न्स हैं अपने 2 साल पुराने रिटर्न्स भी अब रिवाइज मतलब कर सकते हैं, उसमें अपडेट करके कोई अपन इनकम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर टैक्सेज भर के और उसके पेनल्टी के साथ अपन अभी उसको अगेन फाइल कर सकते हैं।